मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 41 - 24x - 18x². यहाँ पर एक कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन हमें दिया हुआ है और इस प्रॉफिट फंक्शन से हमें इस कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें या मैथ्स की लैंग्वेज में देखें तो हमें इस फंक्शन का मैक्सिमा फाइंड करना है और उस मैक्सिमा से इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें मालूम है किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले हमें इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम फाइंड करते हैं पी डेस एक्स। तो 41 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन हमें जीरो मिल जाएगा। एंड -24x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा -24। देन 18x² का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन 2x मिल जाएगा। तो ये टोटल टर्म हमें मिल जाएगा 36x। ठीक है, यहाँ से हम -12 कॉमन लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2+3x। ये इसका फर्स्ट स्टेप हो गया, हमें पी डेस एक्स की वैल्यू मिल गई। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम पी डेस एक्स को जीरो से इक्वेट करते हैं। पी डेस एक्स की वैल्यू है -12 × 2+3x। तो ये हमें जीरो से इक्वेट करते हैं तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -2/3। ये एक इसका क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल रहा है। अब हमें ये पता करना है कि इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। उसके लिए हम पी डबल डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, इस फंक्शन को हम अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा d/dx - 24 - 36x। अब जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से -24 का डिफ्रेंशिएशन हमें ज़ीरो मिल जाएगा और -30x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा -36, क्योंकि ये एक नेगेटिव टर्म है और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ही हमें 1 मिल जाएगा। अब इसके बाद ये एक नेगेटिव टर्म हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये नेगेटिव मिल रहा है और हमें मालूम है कि जब डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है तो उस कंडीशन पर वो फंक्शन मैक्सिमा वैल्यू देता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन मैक्सिमा है और इसका जो मैक्सिमा पॉइंट हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है -2/3। मतलब ये फंक्शन मैक्सिमा वैल्यू दे रहा है x = -2/3 पे। अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा जब हम फंक्शन में, जो यहाँ पर हमें प्रॉफिट फंक्शन गिवन है उसमें x की प्लेस पे -2/3 पुट करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 41 - 24 × -2/3 - 18 × -2/3² और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 49। और ये 49 हमें मिल रहा है इसका मैक्सिमम प्रॉफिट, जो हमें यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन गिवन था किसी भी कंपनी का उसका। तो यहाँ पर हमने वही स्टेप्स फॉलो किए जो हमें मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करने के लिए करना पड़ता है। सबसे पहले हमने उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया, देन उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट किया, देन सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया और सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक किया कि ये साइन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। और उसके बाद हमें ये पता चल रहा है कि ये फंक्शन मैक्सिमा फंक्शन है और इसका जो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला हुआ है उसे हमने x की प्लेस पे फंक्शन में पुट किया जिससे हमें उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया। तो हम इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें 7th क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय 3x² - 8x³ + 12x² - 48x + 25, 8 close interval 0, 3।
यहाँ पर हमें एक अगेन फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन का इस इंटरवल पे हमें मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली क्लासेस में किए हैं। इसके लिए भी हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में और f डस x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 12x³ + 24x - 48। ये फंक्शन हमें मिल जाएगा। यहाँ से हम 12 कॉमन लेते हैं तो ये मिल जाएगा x³ - 2x² + 2x - 4। ये वैल्यू हाँ पे यहाँ से मिल जाएगी। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और क्यूबिक इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं ये हमने 9th और 10th क्लास में स्टडी किया हुआ है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 12x² + 2x - 2। ये वैल्यू हमें इस फंक्शन के मिल जाएगी। उसके बाद हम इस फंक्शन को ज़ीरो से इक्वेट करते हैं तो जब ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 12x² + 2x - 2 = 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 इस फंक्शन से, और जब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा ±√2i। तो यहाँ पर ये एक आयोटा का टर्म मिल रहा है, मतलब ये हमें इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है, रियल पार्ट में नहीं मिल रहा है, तो हम इस वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकते। तो हमें केवल एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है 2, और यहाँ पर हमें इंटरवल गिवन है 0, 3। तो इन तीनों वैल्यूज़ पर हम चेक करते हैं इस फंक्शन में कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 0, जो यहाँ पर हमें इंटरवल में गिवन है उसका एंडिंग पॉइंट। तो ये हमें मिल जाएगा 3 × 0³ - 8 × 0³ + 12 × 0² - 48 × 0 + 25। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 25। इसके बाद हम फंक्शन x की वैल्यू पुट करते हैं 3, तो ये हमें मिल जाएगा 3 × 3³ - 8 × 3³ + 12 × 3² - 48 × 3 + 25। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा 16 जब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम x की वैल्यू पुट करते हैं 2, जो यहाँ पर हमें पॉइंट मिला है, तो ये हमें मिल जाएगा 3 × 2³ - 8 × 2³ + 12 × 2² - 48 × 2 + 25। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा -39। तो यहाँ पर हमने x की तीनों वैल्यूज़ पुट की और उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ का एनालिसिस करें तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 25 एंड मिनिमम वैल्यू इज़ -39। मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रहा है x = 0 पे एंड मिनिमम वैल्यू हमें मिल रहा है x = 2 पे। तो ये इसका मैक्सिमा पॉइंट हो गया 0 एंड मैक्सिमा पॉइंट हो गया 0 और मैक्सिमम वैल्यू इज 25 एंड मिनिमा पॉइंट इज 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज -39। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0, 2π डज द फंक्शन sin 2x अटेन मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू sin 2x, और उसके लिए अगेन हमें एक इंटरवल गिवन है और हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें sin 2x की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। फंक्शन ऑफ x हमें गिवन है sin 2x और इसके लिए हमें इंटरवल गिवन है 0 to 2π। तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए अभी हम फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो f डेस x हमें मिल जाएगा 2 cos 2x जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे,
और उसके बाद हम इसे जीरो से इक्वेट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 cos 2x = 0 means cos 2x = 0। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है cos 2x = 0 तो अब हमें ये पता करना है कि किन किन एंगल्स पे हमें cos की वैल्यू 0 मिलती है। तो यहाँ से एंगल है 2x, मतलब हमें 2x से रिस्पेक्ट में एंगल्स मिलेंगे। तो cos की वैल्यू हमें 0 मिलती है π/2, दैट इज़ 90 डिग्री पे, देन 3π/2, देन 5π/2, देन 7π/2, इस तरह से हमें कॉस की वैल्यू 0 मिलती है इन एंगल्स पे। अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करें तो ये हमें मिल जाएगा π/4, 3π/4, देन 5π/4, देन 7π/4, इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स मिल जाएंगे। हमें साइन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और इस इंटरवल से हमें लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर वैल्यूज लेते हैं। सबसे पहले हम इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें फंक्शन ऑफ 0 मिल जाएगा sin 2 × 0, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 मिलती है। देन हम पुट करते हैं π/4, जो यहाँ पर हमें फर्स्ट एंगल मिल रहा है, तो ये हमें मिल जाएगा sin 2 × π/4, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल x की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर एंगल में 2x है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 × π/4 लिखा है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1, बिकॉज यहाँ पर हमें मिलेगा π/2 और sin π/2 की वैल्यू 1 मिलती है। उसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 3π/4, तो ये हमें मिल जाएगा sin 2 × 3π/4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें साइन की वैल्यू मिलती है -1। उसके बाद हम फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं 2π, जो यहाँ पर हमें एंडिंग पॉइंट गिवन है, तो जब हम 2π पुट करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा sin 2 × 2π, दैट इज़ 4π, और 4π साइन की वैल्यू हमें मिलती है 0। अब उसके बाद यहाँ पर हमें एक और एंगल मिल रहा है 5π/4, हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो sin 2 × 5π/4 ये हमें मिल जाएगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें मिलेगी 1। उसके बाद हम पुट करते हैं 7π/4, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी -1। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे इसकी वैल्यू फाइंड की है, इनको देखकर हम ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम है 1 एंड मिनिमम है -1। मैक्सिमम वैल्यू हमें इसकी मिल रही है π/4 एंड 5π/4 पे, और मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है 3π/4 एंड 7π/4 पे। हमें क्वेश्चन में केवल इसका मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो उस बेसिस पर इसका हमें मैक्सिमम मिल जाएगा π/4 एंड 5π/4, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है 1। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th हमें दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x + cos x। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x = sin x + cos x, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी हम इस फंक्शन को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा cos x, एंड cos x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा -sin x, ये वैल्यू मिल गई। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव मिल रहा है उसे 0 से इक्वेट करते हैं, तो जब 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा cos x - sin x = 0। sin x को जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा cos x = sin x। अगर हम इसे इसके डिनोमिनेटर में ले लें तो ये हमें मिल जाएगा sin/cos, दैट इज 10x = 1। अब 10x = 1 मिल रहा है, मतलब हमें 10 की वैल्यू किस किस एंगल पे 1 मिलती है, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर 10x = 1 है, मतलब x हमें मिल जाएगा
पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे। अब उसके बाद हमें सेकेंड डिफ्रेंसिएशन फाइंड करना है f डबल डस x। तो उसके लिए हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करते हैं, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा माइनस sin x एंड sin x का डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा cos x। अगर हम यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा sin x प्लस cos x। अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब हमें ये गिवन है कि ये फंक्शन मैक्सिमा है और इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें मालूम है कि मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, तो फॉर मैक्सिमा इट इज़ नेसेसरी दैट एफ डबल डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन ज़ीरो। तो अगर ये लेस देन ज़ीरो होगा मतलब ये जो टर्म यहाँ पर हमें मिल रहा है इस टर्म को पॉजिटिव होना पड़ेगा। फॉर दिस कंडीशन इट इज़ नेसेसरी दैट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि अगर ये टर्म पॉजिटिव होगा तो ये जो होल टर्म है हमें नेगेटिव मिलेगा, मतलब ज़ीरो से लेस मिलेगा। तो ये वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव चाहिए मतलब साइन एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड कॉस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हमें मिले हैं उन एंगल्स को अगर हम देखें तो पाई बाई 4 एंगल हमें मिल जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड 5 पाई बाई 4 हमें मिल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, अगर ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगे मतलब ये होल टर्म हमें पॉजिटिव मिलेगा और उस बेसिस पर ये मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और अगर हम ये वैल्यू लेते हैं तो मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, इसलिए इसी रीज़न के लिए हम कंसिडर करते हैं एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 और हम ये डिफाइन करते हैं कि x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम डिफाइन करते हैं x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे और फंक्शन ऑफ पाई बाई 4 हमें मिल जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस sin पाई बाई 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा √2, मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है √2 और इसका जो पॉइंट है वो हमें मिल रहा है पाई बाई 4। तो इस क्वेश्चन में मेनली हमें ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे उस पॉइंट्स में से हमें ऐसे एंगल्स को कंसीडर करने हैं जिन पर ये टर्म हमें पॉजिटिव मिले, यही रीज़न है हमने इसको कंसीडर नहीं किया, पाई बाई 4 को कंसीडर किया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल 1,3 एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन फॉर द इंटरवल -1,-3। यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है जिसकी वैल्यू है 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 और इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो दो इंटरवल्स हमें गिवन है दोनों इंटरवल्स के लिए। तो सबसे पहले हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं जो हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है उसके लिए। तो इसके लिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स की रिस्पेक्ट में और एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 24। अब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिल गया तो हम उसे 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से जब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी प्लस माइनस 2। दो वैल्यूज हमें मिल रही है x की, एक वैल्यू मिल रही है 2 एंड एक वैल्यू मिल रही है -2। और यहाँ पर हमें दो इंटरवल गिवन है, फर्स्ट इंटरवल इज 1 एंड 3 एंड सेकेंड इंटरवल इज -1 to -3। तो यहाँ पर जो दो वैल्यूज हमें मिल रही है, फर्स्ट वैल्यू जो है +2 वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है एंड सेकेंड वैल्यू -2 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो हम दोनों के लिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरवल लेते हैं 1, 2, 2।
और फंक्शन में x की प्लेस पे पुट करते हैं 1, तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी 5। इसके बाद हम पुट करते हैं 2 यहाँ पर से जो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है वो, तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 25। इसके बाद हम पुट करते हैं 3 जो इसका यहाँ पर सेकेंड एंडिंग पॉइंट है, तो इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 89। तो यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने फंक्शन की डिफरेंट वैल्यू फाइंड की, और इन तीनों वैल्यू का एनालिसिस करके हम ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है। तो 85, 75 एंड 89, इनमें से सब मैक्सिमम वैल्यू है 89 और इसका मैक्सिमा पॉइंट हमें मिल जाएगा 3, और मिनिमम वैल्यू है 75 और ये वैल्यू हमें मिल रही है x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो ये इंटरवल हो गया क्लोज इंटरवल 1 to 3। उसके बाद हम लोग सेकेंड इंटरवल लेते हैं जो हमें गिवन है क्लोज इंटरवल -1 to -3, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमें सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है -2 वो पुट करते हैं और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम पुट करते हैं -1, तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू -1 क्यूब माइनस 24 इंटू -1 प्लस 107, और इसे सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा 129। उसके बाद हम x की वैल्यू पुट करते हैं -2, तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू -2 होल क्यूब माइनस 24 इंटू -2 प्लस 107, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा यहाँ से हमें फंक्शन ऑफ -2 की वैल्यू मिल रही है 139। इसके बाद हम पुट करते हैं x की वैल्यू -3, तो ये हमें मिल जाएगा 2 इंटू -3 होल क्यूब माइनस 24 इंटू -3 प्लस 107, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल रही है 125। तो इन तीनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज़ मिल गई। अब उसके बाद इन तीनों वैल्यू का हम एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर इन तीनों वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू है 139 और ये वैल्यू हमें मिल रही है x इज इक्वल टू -2 पे, और मिनिमम वैल्यू है 125, ये वैल्यू हमें मिल रही है x इज इक्वल टू -3 पे। तो ये हमें समझ में आ गया कि किस तरह से हमें फाइंड करना है इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन हमें गिवन है, इट इज़ गिवन दैट x इज इक्वल टू 1, द फंक्शन x के पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है और ये गिवन है कि वो फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंस करता है, और उसमें एक हमें वेरिएबल टर्म मिल रहा है a, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें फंक्शन गिवन है x की पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, और ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो f डैश x हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 4x क्यूब, देन 62x स्क्वायर में हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 124x प्लस a। अब उसके बाद इस फंक्शन को हम 0 से इक्वेट करते हैं। अब अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं तो हमें मालूम है क्रिटिकल पॉइंट मिलता है जिन पर फंक्शन मैक्सिमा या फिर मिनिमा होता है, पर हमें यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है।
मतलब इसका जो एफ डैश वन होगा वो जीरो का इक्वल होगा, क्योंकि ये इसका एक क्रिटिकल पॉइंट हमें गिवन है। तो इसलिए ये जो वैल्यू हमें मिल रही है इसमें x की प्लेस पे हम 1 पुट करते हैं और उसको 0 से इक्वेट करते हैं ताकि हमें a की वैल्यू डिफाइन कर सके। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 124 माइनस 4, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 120। तो x इज इक्वल टू 1 पे जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है हमें वेरिएबल ए की वैल्यू मिल रही है 120। ठीक है, इसके बाद हम 13 क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है फाइंड टू नंबर्स होज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज एस लार्ज एस पॉसिबल। टू नंबर्स गिवन है जिनका सम 24 है और उनका प्रोडक्ट एस मैक्सिमम एस पॉसिबल हमें गिवन है और उन नंबर्स को हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम कंसीडर करते हैं, फर्स्ट नंबर इज एक्स, फर्स्ट नंबर हम कंसीडर करते हैं एक्स। तो सेकंड नंबर हमें मिल जाएगा 24 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 24 गिवन है तो सेकंड नंबर हमें मिल जाएगा 24 माइनस एक्स, और इनका जो प्रोडक्ट है वो एस मैक्सिमम एक्स पॉसिबल होना चाहिए। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा एक्स इंटू 24 माइनस एक्स। अब प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब हम इसकी मैक्सिमा डिफाइन कर सकते हैं और मैक्सिमा के बेसिस पर हम यहाँ पर से एक्स की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स की रिस्पेक्ट में। अगर हम इसे एक फंक्शन मान लें तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से 24 इज कांस्टेंट एंड माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस 1 प्लस 24 माइनस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 24 माइनस 2x, ये हमें वैल्यू मिल गई एफ डैश एक्स की। अब उसके बाद हम इसे 0 से इक्वेट करते हैं, तो जब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 12। ये एक अभी हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है। इसके बाद हम सेकेंड डेरीवेटिव फाइंड करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 2। माइनस 2 हमें नेगेटिव टर्म मिल रहा है। नेगेटिव टर्म ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमा वैल्यू दे रहा है, क्योंकि उसका जो सेकंड डिफरेंशिएशन है वो हमें नेगेटिव मिल रहा है। और जब इस तरह की कंडीशन मिलती है तब कोई भी फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो इसलिए इसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है और उस बेसिस पर हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 12। मतलब जो फर्स्ट नंबर हमने कंसिडर किया था x, वो वैल्यू हमें मिल गई 12। और हमने एज्यूम किया था 24 माइनस एक्स, तो ये हमें मिल जाएगा 24 माइनस 12, दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 12। तो जो दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो एंड जिनका सम 24 हो वो हमें मिल गए 12 एंड 12। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान देना है कि जो दो नंबर्स गिवन है सबसे पहले हमें उन नंबर्स को कंसीडर करना है, देन क्वेश्चन में हमें कंडीशन गिवन है कि उनका प्रोडक्ट हमें लेना है, इसलिए यहाँ पर हमने उनका प्रोडक्ट किया और ये कंडीशन चेक की कि इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है कि नहीं। तो मैक्सिमम है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें उसका सेकेंड डेरीवेटिव फाइंड करना है और सेकेंड डेरीवेटिव का साइन देखना है, उस बेसिस पर हम फिर नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड टू पॉसिबल नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 60 एंड xy क्यूब इज मैक्सिमम।
टू नंबर्स गिवन हैं x एंड y, और x प्लस y इज 60 एंड x इंटू वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो ये सेम कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर गिवन था, यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर है x, सेकंड नंबर है y, और दोनों का सम है 60। तो यहाँ से अगर हम y फाइंड करें तो y हमें मिल जाएगा 60 माइनस x, और इसे हम एक फंक्शन ले लेते हैं और फंक्शन को एक वेरिएबल के एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम y की वैल्यू यहाँ पर x के टर्म में यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा x इंटू 60 माइनस x होल क्यूब। ये हमें फंक्शन यहाँ से मिल गया। अब उसके बाद हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, f डैश x फाइंड करते हैं। तो f डैश x के लिए इसे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो प्रोडक्ट फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 360 माइनस एक्स टू माइनस वन प्लस 60 माइनस एक्स होल क्यूब इंटू वन। एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन मिल जाएगा। यहाँ से हम 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये मिल जाएगा माइनस 3x प्लस 60 माइनस एक्स। इस बेसिस पर ये टर्म हमें मिल जाएगा 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर 60 माइनस 4x। ये हमें वैल्यू मिल गई f डैश x की। अब इस ये हमें दिया है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, तो यहाँ से हम चेक करते हैं पहले कि ये मैक्सिमम है कि नहीं। उसके लिए हम f डबल डैश x फाइंड करते हैं, मतलब इस फंक्शन को अगेन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फिर से प्रोडक्ट रूल हम फॉलो करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स 60 माइनस 4x प्लस 60 माइनस 4x डी अपॉन डी एक्स 60 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू माइनस 4 प्लस 60 माइनस 4x टू 60 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। अब अगर हम इसका एनालिसिस करें तो ये टर्म भी यहाँ से हमें नेगेटिव मिल रहा है और ये टर्म भी यहाँ से हमें नेगेटिव मिल रहा है, मतलब जो होल टर्म हमें यहाँ से मिलेगा वो टर्म यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलेगा। अगर ये नेगेटिव है मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है कि यहाँ पर जो हमें दिया हुआ था x इंटू वाई क्यूब वो मैक्सिमम है। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम f डैश x को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो ये मिल जाएगा 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर 60 माइनस 4x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज़ मिलेंगी x की, एक वैल्यू मिलेगी 60 एंड सेकेंड वैल्यू हमें मिल जाएगी 15। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू हमें मिलेगी ये चेक करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू अगर हम लोग देखें 60, तो x प्लस वाई हमें 60 मिलना चाहिए, और यहाँ पर अकेला हमें x 60 मिल रहा है, तो ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम लेते हैं x की वैल्यू 15। तो अगर x की वैल्यू 15 है मतलब y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 60 माइनस 15 दैट इज़ 45। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें इस तरह से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, पहले जो दो वैल्यूज़ गिवन है उसे हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, फिर हमें मैक्सिमम की कंडीशन चेक करनी है डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करके कि वो नेगेटिव मिल रहा है या पॉजिटिव। उसके बाद इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको ज़ीरो से इक्वेट करके हम नंबर्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये हमें गिवन है, शो दैट द ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। यहाँ पर हमें ये गिवन है कि हमें ये प्रूफ करना है कि अगर किसी सर्कल के अंदर हम एक रेक्टेंगल कंसीडर करें तो
वो रेक्टेंगल अगर हम ले और उसके इस एरिया को मैक्सिमम करें तो ये एक स्क्वायर होगा, और अगर जिस किसी भी कोई भी रेक्टेंगल हम लेते हैं और उसका एरिया मैक्सिमम है मतलब वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल नहीं। तो हमें ये लेना है कि अगर कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर हम कोई रेक्टेंगल कंसीडर करें, तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल कंसीडर किया है जिसका साइड हम लेते हैं एक्स एंड वाई। अब रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल सर्कल के सेंटर से होकर पास होगा। अब अगर हम ये मान लें कि सर्कल का रेडियस ए है तो उस बेसिस पर इसके डायगोनल का लेंथ हो जाएगा 2a। तो इसे हम लिखते हैं लेट r इज इक्वल टू a सेंटीमीटर एंड जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ है x, विड्थ है y। तो उस बेसिस पर अगर सर्कल का रेडियस a सेंटीमीटर है मतलब जो रेक्टेंगल का डायगोनल है उसका लेंथ हमें मिल जाएगा 2a सेंटीमीटर, क्योंकि ये सर्कल के डायमीटर के इक्वल है। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिल जाएगा 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y हमें मिल जाएगा रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये हमें y की वैल्यू मिल गई जो यहाँ पर इसका विड्थ इंडिकेट कर रहा है। अब उसके बाद हमें सर्कल का एरिया मैक्सिमम शो करना है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, मतलब ये हमें मिल जाएगा x इंटू वाई। तो अगर हम y की प्लेस पे इनकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हमें मिल जाएगा x इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमें मिल गया। तो एरिया का जो हमें यहाँ पर फंक्शन मिल रहा है उसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, dA अपॉन dx फाइंड करते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट फंक्शन है तो हम प्रोडक्ट का फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा x इंटू डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx अपॉन डी एक्स। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस 2x, क्योंकि एक अलग फंक्शन है, यहाँ से 2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन हमें मन मिल जाएगा। यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस x स्क्वायर, और अगर हम LCM ले लें तो ये हमें मिल जाएगा LCM अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये टर्म मिल जाएगा। अब ये हमें अभी वैल्यू मिल रही है dA अपॉन dx की, dA अपॉन dx को अगर हम जीरो से इक्वेट करते हैं तब हमें एक क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसे जीरो से इक्वेट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा इसका न्यूमरेटर जीरो के इक्वल 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमें x स्क्वायर मिल जाएगा 2a स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू हमें मिल जाएगी अंडर रूट 2a। x की वैल्यू हमें मिल गई, अब उसके बाद हमें इसका लेंथ मैक्सिमम है या नहीं ये प्रूफ करना है। उसके लिए हम d डबल डैश a फाइंड करते हैं, इसे सेकेंड टाइम हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। अभी यहाँ पर ये डिवीज़न का फंक्शन है तो डिवीज़न का फॉर्म हम यूज़ करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा सॉल्व करते हैं तो
तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस 4x, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू माइनस 2x अपॉन 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 2x ब्रैकेट पे 6a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4a अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये टर्म यहाँ पर हमें नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव ये साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फंक्शन मैक्सिमम फंक्शन है, मतलब जो फंक्शन हमें मिल रहा था वो एरिया का फंक्शन मिल रहा था जो हमने रेक्टेंगल का यहाँ पर एरिया कंसीडर किया था। तो अगर ये इसका एरिया हमें मैक्सिमम मिल रहा है मतलब जो कंडीशन हमें गिवन था वो सेटिस्फाइड हो रहा है, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल रही है अंडर रूट 2a, तो x की वैल्यू अगर हमें मिल रही है तब हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें x एंड y में रिलेशन मालूम है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हमें मिल जाएगा 2a स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा अंडर रूट 2a। x एंड y दोनों की वैल्यू इक्वल मिल रही है मतलब इसके लेंथ एंड विड्थ इक्वल मिल रहे हैं, हमें मालूम है कि स्क्वायर में लेंथ एंड विड्थ इक्वल होते हैं, मतलब जो यहाँ पर हमें प्रूफ करना था कि किसी भी सर्कल के इंस्क्राइब में अगर रेक्टेंगल हो और उसका एरिया मैक्सिमम हो तो वो एक स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लास्ट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके।